एक मिनट रुको। अब जब हम घर आ गए हैं तो ये रिंग अपनी जगह पर आ सकती है, सही कह रहा हूं ना? सच में इसे पहनो के हटाओ के बाद में आपको ये फिट नहीं आएगी। पहली बात तो ये कि जब तुम गुस्सा होती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, और दूसरी बात ये हमेशा अपनी जगह पर बिल्कुल फिट आएगी। इसे अपनी जगह बहुत पसंद है, जैसे कि तुम्हारी हर एक चीज मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हारी उंगली में जो रिंग है और तुम हमेशा यहां रहोगी। ऐसा मत कीजिए, और मैं भूली नहीं हूं कि किस तरह से आपने मेरी बात को घुमाया था। मुझे पता चल गया क्या हुआ था। मैं हमेशा से जानती थी कि जेमरे अमीर के पीछे पागल है, पर ये चीज मुझे यकीन नहीं होती है। मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूं, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। पता नहीं मेरा सामना कैसे होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब भी मैं वो बात याद करती हूँ जो उसने मुझसे कही, तो मुझे अजीब सा लगता है। चलो छोड़ो, अभी मुझे वैसे भी बहुत सारे काम हैं। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो कहा करती थी अगर तुम प्यार में हो तो तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हारे और योंजा के बीच कुछ हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो कह रही है उसे जाना है, वो थोड़ी नाराज लग रही थी। मैंने ऐसा तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो वो बस ऐसे ही जाना चाहती है? मुझे ये सब कैसे पता होगा? तुम कुछ कहना चाहती हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जब चोर उसके घर में आया तो वो बहुत डरी हुई लग रही थी। चलो छोड़ो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आखिर मैं इन सब में क्यों दखल दूं? ये तुम्हारी जिंदगी है, और वैसे भी हम सच में तो शादीशुदा है नहीं, तो इस बात को डिस्कस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, है ना? वो दुखी लग रही थी इसीलिए मैंने पूछा। इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं। नहीं, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? जैसे ये झूठी शादी खत्म होगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी, और फिर तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो। हमारी इस बातचीत का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं नहीं कर सकती, उनके साथ फिर से वो गलती नहीं। अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। वो ऐसे ही टेबल से उठकर चली गई, और अपने कमरे से वो अभी तक बाहर नहीं निकली है। शायद तुमने कुछ किया होगा जिससे उसे तकलीफ हुई हो, कोई बात या कोई जेस्चर, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा मतलब है गलती से। शायद कुछ चीजें जो तुम्हें ठीक लगे वो औरतों के लिए अजीब हो सकती है। कमल भाई, मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा था।
हालांकि मुझे बहुत कुछ कहना था, ये ऐसा कहो सब कुछ, हैरान तो मैं भी हूं। शायद वो बीमार हो रही हो या फिर उससे चक्कर आ रहा हो। वो मुझे कमरे में देखना भी नहीं चाहती, और अगर वो सच में खराब हालत में है तो मुझे उसे देखकर आना चाहिए। मैं आता हूं। मैं टेबल साफ कर लेती हूं। क्या तुम अंदर हो? कहां चली गई? क्या वो बाहर गई होगी? अगर वो बाहर जाती तो मैंने उसे देखा होता। उसका फोन तो यहां पर है, उसने कॉल रिसीव नहीं किया था, तब तक सब ठीक था। वो तैयार होकर टेबल तक आ गई थी, फिर वो जल्दी से निकल गई। किसी ने कुछ कहा होगा, उसकी ये हालत किसने की? क्या तुम बाहर गई थी? और तुम बाहर कब गई? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर के पास जाना है? मैं फ्रेश एयर लेना चाहती थी। मैं ठीक हूं। मैं सोने के लिए जा रही हूं। काफी अच्छी है, पर हम आमतौर पर हम ड्राइंग में हाफ स्केल का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि हमें बताया कि हाफ स्केल ड्राइंग में चीजें बहुत कंफ्यूजिंग और भ्रम पैदा कर सकती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि स्केल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है एवरीवन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो वहां डेस्क के पास खड़े काफी अच्छे लग रहे थे। वो मेरे पति भी है और मेरे टीचर भी। पढ़ाया हुआ लेसन पढ़ रही हो? मुझे पढ़ना ही होगा। वो क्या है ना, इस लेसन की टीचर थोड़े अजीब है। वो बाकी लेसन की टीचर की तरह नहीं है। उनकी बातें हरकतें को ही समझ नहीं सकता, इसलिए मुझे इसे पढ़कर तैयार कर लेना चाहिए। क्या तुम अपने नए टीचर से खुश नहीं हो यंग लेडी? मतलब मुझे लगता है कि वो कुछ ही दिनों में टीचर बनने से बोर हो जाएंगे।
पर मैं ये समझ नहीं पा रही कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अब तक इसका कारण ठीक से नहीं बताया। शायद हो सकता है वो इसलिए ऐसा कर रहा हो क्योंकि वो एक पल के लिए भी अपनी प्यारी वाइफ से दूर नहीं होना चाहता। हाँ, पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कि आप अपने स्टूडेंट से इस तरह गले मिले। एमिल टीचर से यूनिवर्सिटी में ये एक पति अपनी पत्नी से प्यार कर रहा है और कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, मैं ना कंफ्यूज हो रही हूँ कि जब तक ये प्राइवेट लेसन्स खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें ये फॉर्मेलिटी घर में भी अपनानी चाहिए। देखो, एक बात बता दूं मैं कि जो तुम चाहती हो वो बिल्कुल नामुमकिन है। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूं वरना मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। हमने बहुत से मुश्किल पलों का सामना किया है, तुम तो जानती हो। अब मैं अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना चाहती हूं। बस तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी प्यारी बच्ची। मां होने के नाते मैं जानना चाहती हूं कि तुम किससे बात कर रही थी, वो तुम्हारा दोस्त कौन था बेटा? क्या इसमें कुछ गलत है? वो ताजी है मॉम। वो ताजी था, वो फेमस ताजी, वही ताजी जिसने तुम्हें क्लिनिक से अगवा किया था और उस बेसमेंट में छुपाया था, वही ना? ताजी की कोई गलती नहीं है इसमें। मेरा प्लान था, मैंने उसे कहा था ये करने। मैंने ही उससे कहा था कि अगर उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं अकेली ही भाग जाऊंगी, और उसने तो मेरी। अगर वो अच्छा इंसान था तो वो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें ये सब करने से रोकता। मुझे तो लगता है उसी ने तुम्हें ये सब करने के लिए उकसाया। उसने मना किया था, मेरा मन बदलने की कोशिश की थी उसने, पर उस परवर कुछ नहीं। मैंने अपनी बच्ची को सड़क से नहीं उठाया है, तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगी। ताजी मेरा दोस्त है, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, जबकि कोई मेरे साथ नहीं था तब भी उसने मेरा साथ दिया। तुम मेरे सामने उस इंसान का बचाव मत करो जिसे हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सुना, मैं उसे यहाँ दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहती, समझ रही हो तुम? तुम उससे दोबारा कभी नहीं मिलोगी, बस बात खत्म। मॉम, जब आप मेरे साथ नहीं थी तब ताजी मेरे साथ खड़ा था, तो आप चाहे कुछ भी कहें, मैं उससे मिलना बंद नहीं करूंगी। कार में घूरना बंद कीजिए, मैं आपकी तरफ नहीं देखने वाली। अरे, अब बस
सुआ, कितनी देर तक घूरोगे आप? मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही, मुझे फोकस करना है। मैंने एक ही लाइन 3 बार पढ़ ली है। अंकल की दवाइयों का समय हो गया है। मुझे पता तुम हार मान लोगी। काश तुम खड़ी नहीं होती, मैं कितनी खुशी से तुम्हें देख रहा था। मैं देख रहा था कि तुम कैसे अपनी उंगली से बालों को घुमा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम कुछ पढ़ते समय कुछ समझ नहीं पाती तब करती हो। जब तुम्हें समझ नहीं आया तो तुमने एक ही चीज को कई बार पढ़ लिया ताकि वो तुम्हारी समझ आए। आपको कैसे पता कि मैंने 3 बार पढ़ा? क्योंकि मैं अपनी वाइफ को अच्छे से जानता हूं। मुझे पता है कि उसका हर लुक, हर मोमेंट का क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि तुम मुझे जानती हो और समझती हो कि मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सही कह रहा हूं या नहीं? मैं क्या मैं अंदर आ सकती हूं? हाँ बिल्कुल निगार। मिसेस रेहान आपके दोस्त आए हैं जो पहले भी आए थे। ओह सच में? मैं आ रही हूं। क्या मुसीबत है, अब ये क्या है? अब क्या वो रोज हमारे घर आएगा? वेलकम। थैंक यू। मैंने आज अपनी डॉक्टरल थीसिस प्रेजेंट कर दी और मैं ये खुश खबर मिस्टर हिकमत के साथ बांटना चाहता हूँ। क्या सच में? मुझे ये सुनकर खुशी हुई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था क्या सभी टीचर अपने स्टूडेंट का इतना ही अच्छे से ख्याल रखते हैं? सच बताना, क्या इतनी मेहनत करके आपको परेशानी नहीं होती? बहुत हुआ घटिया आदमी, बहुत हुआ। तुम ठीक तो हो ना? ये कह रही है ठीक है, पर ये ठीक लग नहीं रही। मुझे इसके साथ रहना चाहिए।
ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। प्लीज जिद मत करो, मेरे कॉल का जवाब दो, या तुम्हें हिम्मत नहीं है मेरी बात सुनने की। मैं जरा किचन से आती हूँ। क्या वो अकेली मेरे साथ रहना नहीं चाहती? तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक नहीं, तुम ये सब कर रही हो तो मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? काश तुम मुझे सब बता दो। मुझे माफ करना, मैं बिना बताए दो बार यहाँ आ गया। मुझे लगता है मैंने गलती से आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, हम यहाँ सबका स्वागत करते हैं, तुम्हारा भी। अजीब बात बस ये लग रही है कि आप अपने एक ही स्टूडेंट से इतना मिलने आते हैं, क्या आप अपने बाकी स्टूडेंट का भी इतना ही ख्याल रखते हैं या कुछ स्पेशल बात है यहाँ? हाँ, इसका मतलब ये है कि ये एडम से चल रहे हैं, इसीलिए शुरुआत से ऐसा बर्ताव कर रहे थे। ये यहाँ अंकल से मिलने आए हैं, मुझसे मिलने के लिए नहीं, और हम यहाँ इनका समय बर्बाद कर रहे हैं। माफ कीजिए एडम टीचर। कोई बात नहीं, आपके पिता ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे पास आज जॉब है तो उनकी स्कॉलरशिप की वजह से। उन्होंने मेरी शादी में भी बहुत मदद की थी, उनकी मदद की कीमत तो नहीं चुका सकता, लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए चला आया। मैं आपको अंकल के कमरे में ले चलती हूँ ताकि आप उन्हें अच्छी खबर दे सके। जी। चाहिए थी शांत होने के लिए थोड़ी चाय, लेकिन वो भी नहीं मिलेगी मुझे। ये सब पता नहीं किसने बदल दिया, चीजें अपनी जगह पर रहती क्यों नहीं है, मुझे सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए। अब इसे खोल रही हूं तो ये खुल भी नहीं रहा। क्या हो रहा है नारिन, क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी? देखो खुद को, एक डिब्बे के ढक्कन से लड़ रही हो। क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा आ रहा है, मुझे इस डब्बे पर गुस्सा आ रहा है जो कि खुल नहीं रहा, मुझे चाय पर गुस्सा आ रहा है जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, समझ गए तुम? दबाव क्यों डाल रहे हो, क्यों सब लोग मुझे परेशान करने में लगे हैं? ये मैंने क्या कर दिया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी,
ये वो डिजर्व नहीं करता। उसके कारण मैं लोगों को परेशान नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगी। उसे जो बताना है मैं बताने दूंगी। अगर ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही गुस्सा करती रहूंगी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आप यूनिवर्सिटी में टीचर बनकर क्यों आए थे। हाँ ठीक है, मुझे जलन हो रही थी, मैं मानता हूँ। अगर तुम यही सुनना चाहती हो तो ठीक है। इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। शर्म की बात है। नहीं, मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी में किसी पर भरोसा नहीं किया है। मुझे किसी पर भी शक हो सकता है, मुझे खुद पर भी शक हो सकता है, पर तुम पर कभी नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा मिस भी करता हूं, तो हाँ इसलिए मुझे जलन हुई थी, झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे पता है कि आपको मुझ पर भरोसा है। मेरे मन में इस बात को लेकर कभी कोई शक नहीं था, पर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे पति को जलन भी होती है। लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि आपको जलन भी होती है, थोड़ी नहीं, आपने मेरी टीचर के साथ क्या किया? सभी लवर्स की तरह मुझे भी तुमसे जलन हो रही थी, इसमें गलत क्या है? अगर तुम मेरी जगह होती तो? अच्छा, तुम्हें जलन नहीं होती? कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका दिल मेरे लिए धड़कता है। मैं अपने आप को आपकी आंखों में देखती हूँ। मेरा मतलब ये है कि अगर आप कभी यूनिवर्सिटी जाओ तो मैं वहां टीचर बनकर नहीं आऊंगी। तुम श्योर हो तुम्हें जलन नहीं होती? ओके, पर एक दिन तुम्हें मैं तुम्हारी ये बात जरूर याद दिलाऊंगा। ये दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आपसे कभी जलन नहीं होगी। किसी भी हाल में मैं आपसे कभी नहीं जलूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्यार करूंगी। अब जब सब कुछ साफ हो गया है तो मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। तो तुमने कहा कि तुम्हें जलन नहीं होती, चलो देखते हैं। जलन नहीं होती।
तुमने एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझसे मेरे सपने छीन लिए हैं। तुमने मेरा फ्यूचर मुझसे छीन लिया। ये तुम दोबारा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहोगे। ये आखिरी बार है जो मैं तुमसे मिल रही हूं। मैंने तुम्हारे कारण उसे कितनी तकलीफ दी। ये सब ठीक होने के बाद मैं उससे माफी मांगूंगी। कल रात जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था। फिर नहीं होगा। वो फिर से डर गया। हमेशा की तरह फिर से भाग गया। वो नहीं आएगा। मैं बेवकूफों की तरह उसका इंतजार कर रही हूं। मैं जानती हूं वो नहीं आने वाला। नारिन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमने कैसे ढूंढा मुझे? बताओ मुझे कैसे ढूंढा? मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे सामने खड़ी हो। मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। मुझे बहुत समय लगा ये पता लगाने में कि तुम तुर्की में हो। मैंने अपनी उम्मीद खो दी थी, पर अब नहीं। तीन साल के बाद तुम मेरे सामने आए हो। सच में बहुत समय बीत चुका है अब। वो 3 साल मेरी जिंदगी थी। मेरा एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। और आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने बेकार में खुद को परेशान किया। उम्मीद है तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारी बकवास मानूं? मैं बताता हूं, तुम्हें सब बताता हूं, पर पहले मुझे तुम्हें देख लेने दो। मेरे पास तुम्हारी झूठ सुनने का वक्त नहीं है। नहीं 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 नहीं, हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। जो पल हमने एक दूसरे के बगैर बिताए। क्या कहा पल? यहां पर 1 मिनट बिताना भी मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना और दोबारा परेशान मत करना, समझ गए? नारिन प्लीज। वो तुम थे जिसने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ा था। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी झूठी बातें सुनूं? हाँ मैं चाहता हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैंने तुम्हें प्यार करना कभी बंद नहीं किया। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मैं उस आदमी का धोखा कैसे भूल सकती हूं जिसने मुझसे शादी का वादा किया था। मुझे हर वो पल याद है और मैं चाह कर भी उन पलों को कभी नहीं भूल सकती हूं। इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नारिन प्लीज,
नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उस रात तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सका क्योंकि क्या कर रहे हो तुम? मैं यहां से जा रही हूं। देखो, यही कारण था, इसीलिए मैं उस रात तुम्हारे पास नहीं आ सका। टीचर से चलन हो रही थी, वो तो अंकल से मिलने आए थे और उन्हें कितना सुनना पड़ा, वो भी बिना उनकी बात सुने। लेकिन जब सच पता चला होगा ना, उन्हें बहुत दुख हुआ होगा। वैसे मैंने कोशिश भी की थी उन्हें बताने की, लेकिन उनके पास समय ही नहीं था। तुम सोने का नाटक कर रही हो? ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब ये किसका इंतजार कर रहा है? बेड पर क्यों नहीं आ रहे? सो रही हूं। मुझे ये बात अच्छे से पता है, माय स्लीपिंग ब्यूटी। तुम्हें पता है स्लीपिंग ब्यूटी को सिर्फ एक ही चीज उठा सकती है। कोई जरूरत नहीं, मैंने अलार्म लगाया है, मैं उससे उठ जाऊंगी। नहीं, वो लेजेंडरी कैरेक्टर अलार्म से नहीं उठती है। तुम एक स्लीपिंग ब्यूटी हो और तुम प्रिंस के किस करने से ही उठ सकती हो। पर हमारी फेरी टेल में स्लीपिंग ब्यूटी को सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाना होता है। स्लीपिंग ब्यूटी ना अलार्म से ही उठना चाहती है और यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, पर वो जो प्रिंस है ना, वो स्लीपिंग ब्यूटी को यूनिवर्सिटी अकेले जाने नहीं देगा। वो कहेगा, रुको, हम साथ में चलते हैं। और वो ना स्लीपिंग ब्यूटी के यूनिवर्सिटी में किसी तरह से टीचर के तौर पर लग गया है। उसका एक ही काम है, राजकुमारी के साथ हर समय रहना और उसे बचाना। पर वो सबसे सब प्रिंस से बहुत अच्छा है। और हाँ,
वो ना एक जेलस प्रिंस भी है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? सोचना भी मत, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। हां मुझे जलन हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो और किसी के साथ नहीं। सिर्फ मेरी आंखें ही तुम्हें हमेशा देख पाए। मुझे पता है ये बात थोड़ी खुदगर्ज वाली है। तो क्या हुआ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि किसी और को नजदीक नहीं देख सकता? हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ हर पल कैसे बिताऊंगा, पर कुछ ना कुछ तो फिगर आउट करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं देख सकता। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं।